गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने एक रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है कि अगर हमने एचपीएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 को टारगेट करना है तो हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस लगातार हमने पहले भी कई बार बनाए हैं। अभी विद्यार्थियों की काफी भारी मात्रा में ये बोलना था कि इस तरह के इस साल के लिए आपने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसके थ्रू सेल्फ स्टडी से हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस पूरी जर्नी को। तो ये वीडियो सेल्फ स्टडी के लिए एक रियलिस्टिक प्लान और एक ऐसा प्लान जो वर्केबल भी हो, जिसमें रिजल्ट भी यील्ड हो, बस तैयारी ना होती रहे। जैसे सेल्फ स्टडी में जनरली ऐसा होता है कि तैयारी किसी दिशा में नहीं जाती है मैक्सिमम विद्यार्थियों की, तो उसका प्लान ऑफ एक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें अगर हम लोग प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जिसमें 70-80 हजार बच्चा इस बार एक्सपेक्टेड है फॉर्म को फिल करेगा, उसमें से मात्र 15-20 सीट के लिए हम किस प्रकार से एक रियलिस्टिक प्लान बनाएं कि अगर हमने ये टॉप के 15-20 विद्यार्थियों में आना है अमंग 70-80 थाउजेंड, तो हम क्या एक प्लान, एक रोबस्ट स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाएं। दूसरी बात है, ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो अभी वर्किंग है, या वो बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं और इसी साल अगले साल उन्होंने पेपर को देना है, उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। रीजन ये है, जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है एज कंपेयर टू किसी एकेडमिक कोचिंग के साथ। उसका रीजन ये है, पढ़ने में जो चीज आप स्वयं समझेंगे, शायद आपको अगर वो कोई कॉन्सेप्ट डायरेक्टली डिलीवर कर दे और समझा दे तो आपके लिए सरल हो जाता है चीजों को समझना। तो ये वाला जो संघर्ष है, इसीलिए इसमें समय पर डे में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा टाइम अगर आप देंगे वो तभी संभव है जब आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टाइम का रहता है। टाइम की वजह से हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल को कभी सजेस्ट नहीं करते सेल्फ स्टडी, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं हो पाते वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी है, थक जाते हैं, रोज 9 घंटे का ऑफिस है, उसके बाद तैयारी करना है तो कठिन रहता है। उनको सजेस्टेड है हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ताकि वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाए। जो कॉलेज के फाइनल ईयर में है, सेकेंड लास्ट ईयर में, उनके लिए भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स काफी सजेस्टेड है, क्योंकि वो उनको डिसिप्लिन कर देते हैं और कम समय में तैयारी को कर लेते हैं। जिनके पास तकरीबन 1 से 2 साल आराम से हैं, जो कॉलेज को ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी एक ठीक माध्यम हो सकता है। बस सेल्फ स्टडी में एक दिशा इंपॉर्टेंट है जो जनरली कोचिंग में जाके मिल जाती है, वो डायरेक्शन मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। एक टाइम टेबल हम लोग बना लेंगे, उस टाइम टेबल के मुताबिक जब आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए मैं बार बार जैसे अपने वीडियोस में बोलता हूँ, हमें हर चीज का एक प्रोसेस होता है। पेपर को क्वालिफाई बिना प्रोसेस, बिना स्ट्रेटेजी के नहीं किया जा सकता, तो प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। वो प्रोसेस अभी हम लोग ले डाउन करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमने कब अपनी बेसिक किताबें पढ़नी है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। अलग अलग स्ट्रीम के विद्यार्थी, कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, कोई नॉन मेडिकल है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या मेडिकल मेडिसिन बैकग्राउंड से है, तो बेसिक इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो बेसिक तैयार करना है। जब बेसिक तैयार करेंगे तो हम कौन सी रेफरेंस किताबें पढ़नी चाहिए, वो भी एक हमारे लिए चैलेंज है। सही रेफरेंस किताब अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। सही स्टडी मटेरियल अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें सोचना है। तो सही मटेरियल कौन सा पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेफरेंस मटेरियल, बेसिक किताबों के साथ साथ नोट्स मेकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है पूरे एग्जामिनेशन का, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरी प्रिपरेशन का। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपनी असेसमेंट की कैसे टेस्ट सीरीज देनी है, कैसे अपने आपके परफॉर्मेंस को असेस करना है और आंसर राइटिंग करनी है, इसके थ्रू आपका एग्जामिनेशन जल्दी निकलता है और इफेक्टिवली तैयारी होती है। तो ये सारी स्टेजेस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्विक सा वीडियो है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि अलग अलग प्रकार के भांति भांति के एस्पिरेंट इसमें तैयारी करते हैं। 80,000 की जो संख्या मैं बोल रहा हूँ, 70-80 हजार बच्चा जो फॉर्म को फिल करता है, सबसे पहला तो वो बच्चा है जो उतना पेपर को लेके मोटिवेटेड डिसिप्लिन्ड नहीं है। आप उनकी संख्या आप देखो कि 80,000 फॉर्म भरने के बाद जो पेपर देने जिस दिन बच्चा पहुंचता है वो 40,000 भी नहीं रह जाता। मींस 50% से भी ज्यादा
बच्चा पेपर देने पहुंचता भी नहीं है, तो इससे क्या पता लगता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। इस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से इफेक्टिव कॉम्पिटिशन अब कम होना शुरू हो जाएगा। उसमें से भी इफेक्टिव कॉम्पिटिशन में से भी आप इस कॉम्पिटिशन को इतना और हम लोग नैरो डाउन करेंगे, दो तरह के विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन को तैयार करते हैं। प्राइमरली जब हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए जो मोटिवेशन है इस एग्जामिनेशन में, जो एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, बीडीओ जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, उनके साथ जुड़ी हुई सोशल प्रेस्टीज इसमें हमें एक पुलिंग फैक्टर का काम करती है, जिसके लिए हम ये तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के लिए केवल यही एक पुलिंग फैक्टर है जिसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वो कभी ये नहीं देखते कि हमारा अपना पोटेंशियल क्या है। जब हम अपने पोटेंशियल को देखे बिना केवल ये देखते हैं ये सर्विसेज क्या ऑफर कर रही है, केवल उससे इंस्पायर्ड होके या उससे मोटिवेट होके या उससे अट्रैक्ट होके जो बच्चा तैयारी करता है, वो बच्चा भी आउट ऑफ 40,000 जो पेपर देने पहुंचा भी है, उसमें से अगर इस बच्चे की संख्या निकाली जाए तो 30,000 बच्चा तो वो बच्चा है जो अपने पोटेंशियल को देखे बिना तैयारी को शुरू कर देता है। पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का मतलब इंटेलिजेंस नहीं है। सिविल सर्विसेज में पोटेंशियल का मतलब है डिसिप्लिन। अगर कोई व्यक्ति थ्रू आउट अपने एकेडमिक करियर में डिसिप्लिन नहीं है और अंडर परफॉर्मिंग है, बहुत ब्राइट चांसेस है शायद वो आगे भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसको ये जॉब बहुत अच्छी लगती है, उसको लगता है कि उसके पास भी आईएएस की गाड़ी होनी चाहिए, उसकी गाड़ी के ऊपर भी लाल बत्ती लगनी चाहिए, इसलिए वो तैयारी को शुरू कर देता है। जब हम अपने पोटेंशियल को पहचाने बिना तैयारी को शुरू करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इस तैयारी के दौरान हमने अपने किन कमियों के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर या पर्सनैलिटी के कौन सी क्वालिटीज के ऊपर काम करना है जिससे हम इस पेपर को क्लियर कर पाए। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत भारी होती है, ऐसे विद्यार्थियों, क्योंकि आप सिंपल एक फंडा समझ लीजिए, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो जो असली पढ़ने वाले डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड सिंसियर बच्चे 5 से 8 ही होते हैं। बाकी आउट ऑफ 50 अगर हम देखें 42 बच्चा है जो रिलेटिवली नॉन सिंसियर, जैसे मेरे जैसा बच्चा होगा नॉन सिंसियर बच्चा है, बहुत उतना ज्यादा फोकस नहीं है लाइफ में, ऐसे बच्चों की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, ऐसे बच्चे की मात्रा एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये बच्चा पोटेंशियल को देखे बिना तैयारी को शुरू करेगा। तैयारी को शुरू करना कोई गलत नहीं है, लेकिन पोटेंशियल को देखे बिना शुरू करने में गलती ये है, आपको पता नहीं है कि आपने किन एस्पेक्ट पे काम करना है जिसकी वजह से सिलेक्शन ना होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाता कि उनका पेपर, जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 5 से 6 साल तक पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स एक आध बार क्वालिफाई हो रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे काम करना है। जब आपको पता ही नहीं है आपने कौन से पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट में काम करना है तो आप पेपर को कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पेपर क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा। इसलिए इसमें अपने पोटेंशियल को पहचानना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैक्सिमम बच्चा ये वाला है, इस बच्चे को कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। देखो मैं एक चीज बहुत बोलता हूं, कुछ बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी, बहुत सारे टॉपर सेल्फ स्टडी से निकले, रैंक 1 लास्ट ईयर, अभिषेक सेल्फ स्टडी, इससे पहले हमारे साथ केवल टेस्ट सीरीज में जुड़ी हुई लड़की आकांक्षा सेल्फ स्टडी, रैंक 1 यामिनी ठाकुर अलाइड सेल्फ स्टडी, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से पेपर को क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग से भी क्वालिफाई करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह पता है कि वो किस प्रकार के उसके एट्रीब्यूट्स हैं और वो राइटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो कोचिंग के माध्यम से पेपर को जल्दी निकालता है या सेल्फ स्टडी से, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे जो बच्चा बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, वेल अवेयर्ड है, वो ये देखता है हाँ इस पेपर में कुछ सोशल प्रेस्टीज तो है, लेकिन इस पेपर की डिमांड क्या है, इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट आता है, मेरे कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैं कौन से ऑप्शन में ज्यादा फिट इन करता हूं या करती हूं, उससे जब वो वेल अवेयर्ड होकर तैयारी करता है, ऐसे बच्चे की तैयारी करने के पीछे क्लियर होने का चांस भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे बच्चे ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से पेपर को क्लियर करते हैं। तो मींस इस पेपर को सेल्फ स्टडी वही कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से कर चुके, ओशन है हमारे पास क्लासरूम में पढ़ी है, वो उसने कोचिंग से निकाला है, मोहित रतन है क्लासरूम से पेपर को क्वालिफाई किया है, मोहित शुक्ला है लास्ट ईयर उन्होंने सेल्फ स्टडी से पेपर को क्वालिफाई किया है। तो हर बच्चे ने अपने अपने तरीके से पेपर को निकाला है। अगर आपको पता चल जाए, अगर आप बहुत अल्ट्रा डिसिप्लिन नहीं हो, अल्ट्रा सिंसियर नहीं हो, अल्ट्रा पैशनेट नहीं हो, तो आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप प्लैंड भी नहीं होंगे। अगर आप प्लैंड नहीं हो, ऐसा व्यक्ति सेल्फ स्टडी से पेपर को नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसमें इन सारी चीजों की जरूरतें कुछ ज्यादा है, डिसिप्लिन की जरूरत ज्यादा है, सिंसियरिटी की जरूरत ज्यादा है, मोटिवेशन की जरूरत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति ना करे सेल्फ स्टडी तो बेहतर है।
वो कोचिंग के माध्यम से जल्दी निकाल सकता है। जो व्यक्ति थ्रू आउट टॉपर है, टॉपर का मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, वो डिसिप्लिन और सिंसियर है, उसको सेल्फ स्टडी का रिस्क ले लेना चाहिए। और अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी के अनुसार आप तैयार करोगे तो आप आराम से घर बैठे हुए पेपर को निकाल सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको चंडीगढ़ में आके कोचिंग ज्वाइन करनी है या किसी एकेडमी को ज्वाइन करना है। इसलिए सबसे पहले ये जानो कि आप कौन से प्रकार के एस्पिरेंट हो। जब आपको अपनी टाइपोलॉजी क्लियर हो जाएगी, आपको ये पेपर सरल लगने लगेगा। दूसरी बात, अब हमने देखना है, जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम किस कैटेगरी के स्टूडेंट है और हमें सेल्फ स्टडी करनी है, जब हम सेल्फ स्टडी का प्लान बनाएं तो हम अपने प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लीजिए। उसी से हमारा डेली टाइम टेबल भी डिवाइस हो जाएगा। जब हमने प्लान बनाया है, स्टेज 1, 2 और 3, ये 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज, मान लीजिए आज 15 फरवरी का दिन है और आपने सोचा कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरू करना है। आप बनाइए कि पहली स्टेज में आपने बेसिक्स को तैयार करना है, तो पहली स्टेज आपकी बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग की स्टेज होगी। बेसिक्स के अंदर सबसे सिंपल है कि इस तैयारी को शुरू करना है तो चलो कुछ एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर देते हैं। रैंडम एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत चीजें समझ आ जाएगी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के 50 लेक्चर्स को पढ़ाया है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं और 5 सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। इनकी एनसीईआरटी पढ़ाई गई हैं। इन एनसीईआरटी को पढ़ाने की अप्रोच डिफरेंट है। यहां एनसीईआरटी हमने आपको वर्टिकल लिंकिंग के द्वारा पढ़ाई है। वर्टिकल लिंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए। वर्टिकल लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का दिया हुआ टॉपिक है। यही इंडियन रिवर सिस्टम 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया है। जब मैं आपको इंडियन रिवर्स पढ़ाऊंगा और गंगा पढ़ाऊंगा तो मैं इन दोनों क्लास की एनसीईआरटी इंटीग्रेट करूंगा। जब मैं आपको सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सोलर सिस्टम में जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है और जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, उन दोनों को एक साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस तरीके से आपको एक ही जगह कंसोलिडेटेड वे में पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज चीजें कनेक्ट करना सिखाएंगे। एनसीईआरटी को सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जैसे आप खुद घर पे सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो, उस तरीके से आप कनेक्ट नहीं कर पाते पेपर के रिस्पेक्ट में कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमेशा पेपर के रेलिवेंट मटीरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें स्टडी मटीरियल का बहुत रोल है। अगर हम सटीक स्टडी मटीरियल सटीक दिशा से नहीं पढ़ेंगे, यू विल एंड अप लूजिंग मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो हमें कम समय में पेपर को तभी क्वालिफाई हम लोग कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। ये 50 फ्री लेक्चर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप साइन अप कर लीजिए। उस साइन अप करने के बाद आप इन 50 फ्री लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके विचार में, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उस सब्जेक्ट से आप शुरू कर लो। इन 50 फ्री लेक्चर से आपका बेसिक बिल्ड होना शुरू होगा। बट सेल्फ स्टडी करते वक्त हमेशा टाइम का ध्यान रखो। देखो मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूं, इसमें आपने बेसिक्स पढ़ने में यू शुड नॉट टेक मोर देन 2 मंथ्स। 2 महीने से ज्यादा समय इज द अटर वेस्ट ऑफ टाइम। तो इससे ज्यादा समय आप मत लीजिए सेल्फ स्टडी करते वक्त। तो जैसे ही अगर आज 15 फेब है, 15 मार्च और 15 अप्रैल तक आपकी ये एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 10 सारी कवर हो जानी चाहिए विद 50 लेक्चर। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा। अब आप तैयार हो चुके हैं सेकेंड स्टेज में जाने के लिए। सेकेंड स्टेज का काम है कि अब आपने अपने लिए लेवल बढ़ा के कुछ बड़ी किताबें पढ़नी है और उन किताबों को पढ़ते हुए अपने लिए नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये काम आपने करना शुरू करना है। तो ये काम आपकी सेकेंड स्टेज का काम है। अब इसमें समझिए इसको कैसे करना है। सेकेंड स्टेज में आपको कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में जैसे हमारे पास जो टोटल प्रीलिम्स और मेंस के, जब आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे और आपने सोच लिया आप तैयारी को करेंगे, तो आपके पास सबसे पहली चीज है कि आपके दीवार के ऊपर जहां आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर आपका मेंस का सिलेबस हमेशा पेस्टेड फॉर्मेट में रहना चाहिए। GS 1, 2 एंड 3 इस सिलेबस को आप अपने समक्ष पेस्ट कर लीजिए। जब आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो सिलेबस वाइज अब आपने सब्जेक्ट पढ़ने शुरू करने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सिविल्स टाइप का एक स्टडी मटेरियल है, कॉस्ट है उसकी 7000, एक्सपेंसिव साइड पे है,
क्योंकि इस स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी 5,500-5,800 पेजेस की किताबें हैं। इन किताबों के अंदर ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस डाले गए हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चंस डाले गए हैं, हिमाचल जीके के 1,000 क्वेश्चंस हैं, हिमाचल जीके मेंस के कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन किताबों के अंदर काफी कंटेंट आपको दिया गया है, तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर आप इनको नहीं परचेज करना चाहते, फ्रीलैंसिंग फॉर्मेट में मार्केट से किताबें खरीदेंगे, अगर कॉस्टिंग, क्योंकि ऐसा हम तब करते हैं, हमें लगता है कि शायद बाहर से खरीदी हुई किताबें रीजनेबल पड़ेंगी, अगर हमने पूरी 9 किताबें बाहर मार्केट से भी खरीदनी है, उनकी कॉस्टिंग भी 5,000-7,000 की ही रेंज में आएगी। उन किताबों के कुछ ड्रॉबैक हैं, वो किताबें हिमाचल के लिए नहीं लिखी गई है, वो जनरल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत लिखी गई है जिसमें मेंस नहीं है, प्रीलिम्स इतना ज्यादा है कि वो प्रीलिम्स के लिए उतनी ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हिस्ट्री के लिए एक किताब है लेकिन वो केवल मॉडर्न इंडिया के लिए है, स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी की कंसोलिडेटेड एक किताब मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे ही मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एक किताब नहीं है, और ये मल्टीपल सब्जेक्ट कितने हैं, मोर देन 50 सब्जेक्ट की एक किताब मार्केट में नहीं अवेलेबल है। इसकी वजह से आप क्या करते हो, इतनी सारी या तो किताबें खरीदनी पड़ेंगी, टूटा टूटा मटेरियल अलग अलग किताबों में स्कैटर्ड फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्ड बुक इस प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा सजेस्टेड नहीं होती। स्टडी मटेरियल सटीक होता है, पेपर के डायनामिक नीड के मुताबिक बना हुआ मटेरियल एक ही जगह पे सब कुछ कंसोलिडेट कर लिया जाता है। इस स्टडी मटेरियल को आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। इस स्टडी मटेरियल के अंदर 12 किताबों का सेट है, आपने 2 सब्जेक्ट पर डे स्टार्ट करने हैं, शुरू के 5-10 दिन कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, एनसीईआरटी आप देख चुके हैं, अब आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता चल चुकी है, आपने 5-10 दिन 2 सब्जेक्ट रोजाना 3-4 घंटे पर डे पढ़ने हैं, साथ में एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू पढ़ना स्टार्ट करना है, अखबार के कोई नोट्स नहीं बनाओगे। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके नोट्स भी दे रहे हैं, तो करंट अफेयर हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आपने जनरल स्टडीज पे फोकस करना है तो इन किताबों के 4-4 घंटे के स्लॉट बनाइए और रोजाना 2 सब्जेक्ट को पढ़िए। इनके MCQs हर चैप्टर के बाद दिए गए हैं। इसी के साथ साथ हमारे रोजाना यूट्यूब के ऊपर 15 लाइव MCQ के सेशन सुबह 10:15 बजे लिए जाते हैं। इसी ऐप के अंदर आपको इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें MCQ रिवीजन का एक कोर्स है, वो हम लोग आपको करवाते हैं। उस कोर्स के द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। उससे आप मान लीजिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि कितनी गहराई में सब्जेक्ट को पढ़ना है, उन MCQs को सॉल्व करके देखो रोजाना जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब ज्योग्राफी का बुक पढ़ रहे हो उसके MCQ भी लगाना शुरू करो, आपको पता चलेगा किस डेप्थ तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी बुक्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। 10 दिन तक कोई नोट्स नहीं बनाइए, 10 दिन तक बस अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, 10वें दिन के बाद जब आप लोग नोट्स बनाओगे तो नोट्स बनाना अपने आप में एक कला है। नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नोट्स आपके एक ही जगह पे बनेंगे, सेंट्रलाइज्ड नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं। अब सेंट्रलाइज्ड नोट्स कैसे बनाएंगे, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने हैं। एनसीईआरटी के नोट्स क्यों नहीं बनाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में ही नोट्स हैं। आपके नोट्स अगर एनसीईआरटी के बनाओगे तो बाद में जो हमारी किताबें पढ़ोगे उससे कैसे नोट्स बनाओगे, नोट्स सेंट्रलाइज नहीं रहेंगे। एक जगह पे नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, 12 सब्जेक्ट हैं, 12 नोट्स भी बनाओगे तो भी 12 रजिस्टर भर जाएंगे, इसलिए नोट्स को एक जगह पे सेंट्रलाइज होना जरूरी है। नोट्स बनाने के लिए हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है A4 शीट यूज करनी है आपने, तो A4 शीट के जो रिम्स आते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, वो परचेज करने हैं। उन रिम्स की ब्यूटी क्या है, नोट्स आपको फ्लेक्सिबल बनाने का ऑप्शन मिलता है। फ्लेक्सिबल वर्ड को समझो, फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब है, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, आप ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो आपने आज सोलर सिस्टम हमारी किताबों से पढ़ा, आपको समझ आया, आपने नोट्स पढ़ा और उसके नोट्स पढ़ के कुछ नोट्स बना लिए। एनसीईआरटी ऑलरेडी हमारी बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए आपको एनसीईआरटी अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप सोलर सिस्टम के नोट्स बना लीजिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तब आप हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वहां सोलर सिस्टम के टॉपिक रखे हुए,
उनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ नई इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई। अगर आप एक ही रजिस्टर में नोट्स बनाते रहते तो दो पेजेस के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते, सोलर सिस्टम के बाद स्पेस नहीं रहती, आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सोलर सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। तो A4 शीट में नई इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना आसान है। आप छोटी छोटी फाइल्स बनाइए हर सब्जेक्ट की। इस फाइल के बाहर आपने लिख लिया मान लो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ऐसी एक फाइल बनाई जिसके बाहर सब्जेक्ट लिखा पॉलिटी, ऐसी फाइल्स बनाइए। इन फाइल्स में सब्जेक्ट के अंदर आप टॉपिक लिखे सोलर सिस्टम, उसको इस फाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो ये काम आप लोगों ने करना है। तो इस तरह से नोट्स मेकिंग। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, आपको कल को कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में नहीं थी, एड ऑन कर लो जी नोट्स के अंदर। आप करंट अफेयर पढ़ रहे थे रोजाना शाम को सिविल टाइप की मैगजीन से या लाइव सेशन से, उसमें नई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको इनकॉर्पोरेट कर लो अपने सोलर सिस्टम में। मान लो इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया मार्स के लिए और वीनस के लिए, नई इन्फॉर्मेशन है, ऐड करो अपने नोट्स के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर। इस तरह से आपके एक साल में इतने करंट इकट्ठे हो जाएंगे कि नोट्स आपके अपने आप अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अपने आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बाउंडेड नोट्स बन रहे हैं। तो नोट्स का काम क्या है, सेंट्रलाइज्ड हो, नोट्स में एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग सेशंस करवाते हैं, हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, उन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देते हैं, मींस के इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो आपके मेंस के क्वेश्चन भी इनकॉर्पोरेट हो गए नोट्स में, आपकी बुकलेट के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, उनको करके इन्हीं नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो आप धीरे धीरे अपने नोट्स को स्केल करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपके नोट्स सेंट्रलाइज हो जाएंगे। नोट्स मेकिंग इटसेल्फ इज अ टास्क। तो अब इसके लिए टाइमलाइन जरूरी है। इसके लिए टाइमलाइन क्या है, जो बड़े सब्जेक्ट हैं चार, दैट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन चार सब्जेक्ट के नोट्स, और एक बार में दो सब्जेक्ट पढ़िए, दोनों सब्जेक्ट को 10 दिन तक पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे पुराने टॉपिक के नोट्स बनाइए, नए टॉपिक बढ़ते जाइए। तो दो सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए आपने 4 मंथ्स लेने हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप सांसन लिख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी को आपने 4 महीने में हमारी चारों किताबें पढ़नी है और नोट्स के साथ खत्म करना है। अगले 4 महीने के अंदर आपने जो बाकी के सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरमेंट, जनरल साइंस, ऐसे ही एथिक्स, गांधियन थॉट, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ये 9 टॉपिक आपने अगले 4 महीने में करने हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आप आसानी से कर सकते हैं, इनके भी नोट्स मेकिंग शुरू कर दीजिए। तो अगले 4 से 5 महीने में आपने बाकी सब्जेक्ट के नोट्स मेकिंग कंप्लीट करना है। तो 9 महीने, शुरू के 2 महीने एनसीईआरटी के, अगले 9 महीने आपको अपने सारे सिलेबस को किताबों से पढ़ के और उनके नोट्स बनाने में लग जाएगा। अब टाइम देखो कि पहले 2 महीने चले गए और फिर अगले 9 महीने चले गए, इतने टाइम में 11 महीने के बाद अगले साल का जनवरी मंथ आ जाएगा। तो मींस जनवरी तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन विद नोट्स मेकिंग हो जाएगी। इन नोट्स की ब्यूटी क्या है कि हमारे जो एमसीक्यू सेशंस है वो भी इनके अंदर है, हमने जो एनसीईआरटी पढ़ाई वो भी इनके अंदर है, हमारी सारी बुक्स इनके अंदर है। अब आती है आपकी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में अब टाइम आ गया, भैया जो आपने पूरे साल पढ़ा है ये किसी काम का है या नहीं है, अब अपनी असेसमेंट करो। असेसमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज द्वारा आंसर राइटिंग करो। अगर आप आंसर राइटिंग करना नहीं जानते तो बेहतर क्या है, जब जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए हमने कुछ आंसर राइटिंग के फ्री सेशंस कंडक्ट किए हैं, इन सेशंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आपने आंसर राइटिंग के ये फ्री कोर्सेज जिसमें एचपीएस के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग कराई है, साथ में मॉडल आंसर भी दिए, उसका एक कोर्स हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, उस कोर्स को अवेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग के बेसिक्स को सीखिए। इसके अलावा एक हमारी वेबसाइट है जिसमें पिछले 1 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट रोजाना एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसके मॉडल आंसर दिए जा रहे हैं और वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसको रेगुलरली और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है, इसके अंदर 50, जैसे इस कोर्स में आप मेरे पीछे देख सकते हैं 48 टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के इनकॉर्पोरेटेड है। ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा उपयोगी है, इसी टेस्ट सीरीज से हमारे इतने सारे बच्चों ने घर बैठ के
सेल्फ स्टडी के बाद सिलेक्शन ली है इन्हीं टेस्ट सीरीज से। ओशन ने सेल्फ स्टडी के बाद, कोचिंग करने के बाद, घर जाके बीडीओ बनने के बाद जो एसडीएम वाली रैंक आई है वो इन टेस्ट सीरीज के थ्रू आई है। ऐसे ही आकांक्षा जो लास्ट ईयर रैंक 4 है, 5th है, उन्होंने केवल टेस्ट सीरीज ली सिविल स्टैप से और उन्होंने रैंक प्राप्त करी सेल्फ स्टडी के बाद। काफी सारे बच्चों ने इस साल, जैसे विपिन रैंक 4 हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस, उन्होंने सेल्फ स्टडी के बाद हमारी इसी टेस्ट सीरीज के थ्रू पेपर को क्वालिफाई किया, बाद में इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किए। तो बहुत सारे बच्चों ने इन्हीं टेस्ट सीरीज से पेपर को क्वालिफाई किया है। टेस्ट सीरीज बहुत उपयोगी होती हैं, ये आपको पॉलिश करती हैं और आपकी तैयारी को बांधती हैं, स्ट्रीमलाइन करती हैं। तो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी द्वारा भी पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सारे लिंक्स इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे रखे गए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हैं, एमसीक्यू के हैं, टेस्ट सीरीज के हैं या आंसर राइटिंग के। तो ये सारे फ्री कोर्सेज आप जरूर सेल्फ स्टडी के साथ अवेल करें ताकि आपको पता चलता रहे समय समय पर किस तरह से अपनी तैयारी को दिशा देनी है। इसके अलावा अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक टॉक, जैसे जनरली रोज बच्चे 2 से 3 बच्चे रोज मेरे साथ स्ट्रेटेजी टॉक के ऊपर रहते हैं, उन्हें कुछ टिप्स चाहिए किस तरह से तैयारी को कंसोलिडेट करना है, उन सबकी इंक्वायरी के लिए नीचे एक नंबर दिया गया है, वहां पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैडम जनरली हमारी काउंसलिंग टीम उनको पिक करती है, उनके साथ अपनी एक कॉल मेरे साथ आप अरेंज भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी वी आर वेरी फ्री टू हेल्प यू आउट। तो उसके लिए आप बेझिझक होकर हमें कॉल कीजिए, राइट। तो इस पे इस सेशन के जरिए, जैसा मैंने बोला था, हम लोग रियलिस्टिकली देखेंगे कि कैसे सेल्फ स्टडी द्वारा हम अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं कि हम सेल्फ स्टडी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।